जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रदेश के टॉप 25 बदमाशों में शुमार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आया ये बदमाश सीताराम जाट है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सीताराम जाट सीकर जिले के लोसल का निवासी है। आरोपी के खिलाफ सीकर में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी सीताराम जाट जयपुर के अलावा कई अन्य शहरों में अपनी फरारी काट रहा था। पुलिस टीम को आरोपी के जयपुर में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आरोपी को सीकर पुलिस को सौंप दिया है। चिन्हित 25 अपराधियों में एक है, ये राज्य स्तर पर चिन्हित किया हुआ है। सीताराम नाम है इसका, सीताराम जाट। ये लोसल थाना इलाके में सीकर जिले का रहने वाला है और वहाँ एक फायरिंग में ये पिछले 2 वर्ष से वांछित है और इस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। हमारी टीम जो सीएसटी है उसको कोई सूचना मिली थी, राजकुमार मांडिया को सूचना मिली थी, तो उसके आधार पर आज हमने अरेस्ट इसको दस्तयाब किया है और सीकर पुलिस को हमने सूचित किया है और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अग्रिम कार्रवाई सीकर पुलिस द्वारा।